أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. درود شريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Okay, how we make the noun formula in Arabic. Noun formula यानी कैसे हम किसी भी noun को लेके इसको my, yours, his, her, our, their बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल कलम अच्छा, कोई भी noun आप ले सकती हैं. जी कलमी माई कलम जी हाँ, तो उसको माई बनाने के लिए आपने या लगा दिया, ये तो क्लियर है. जी कलमक योर पेन टू कलमच फॉर फीमेल योर पेन जी, और इसके जो एक्सेप्शन बताया था वो भी बताएं, स्पीकिंग और फुसहा का, सऊदी और बाकी जिसे सीखें अच्छा उसको. फुस्सा में कलमत की हाँ, नहीं कलमक कलमक ही आएगा. कलमकी यस, कलमकी वहां पे चार ऑप्शन नहीं है, ना कुरान जी में, ना फुसहा में, ना सऊदी में. वहां सिर्फ जबर, काफ के ऊपर जबर और जेर से ही वो मेंशन करते. अगर जबर है दैट इज मेल, अलमुकी दैट इज फीमेल, चा का ऑप्शन बाकी जीसीसी इन जी सिर्फ सऊदी, बाकी सारे अरब कंट्रीज में है. फॉर फीमेल वी यूज जीम विच साउंड एज अ चा. तो ये हो गया ऑप्शन यू. नाउ हिज एंड हर. कलम हिज पेन कलमहा हर पेन तो यहाँ पे हमने सर्कल हाई यूज की है कलम के साथ ये, और इसकी साउंड बहुत ही लाइट होगी, कलमह, जैसे हम किसी भी लेटर वर्ड के साथ एच मिलाते हैं, कलमह. और सेम इसी कलम के साथ फिर हम हा अलिफ हा, वही हा होगी लेकिन साथ अलम, कलम हा कलमह. यहाँ पे विच कलमह कलम हा, किसी भी ऑप्शन को हिज बनाने के लिए ये हा लगती है. तो अगर आप फुसहा रीड करते हैं, बुक रीड करते हैं, तो ये हु पढ़ी जाती है, जैसे कलम हु, लेकिन वो फुसहा है. यहाँ पे हम लोग एज एच कलमह और कलम हा, हिज पेन और हर पेन. से पहले वाला भी लिख देते हैं. जी कलमन कलमना, कलमना कलमना में फिर वो फतहा आ जाता है, जी हम जी हरका यूज नहीं करेंगे. मेल है तो कलम, कलमन है तो कलम. कलमन ओके, कलमना कलम कलमना आवर, ये हो गया हमारा. जी उनका देयर, कलमकुम नहीं देयर देयर कलमहुम कलम होम, कलम होम. कलम हूँ होम का सेपरेट मीनिंग होता है दे, जो हम कहते हैं वो दे, और किसी नाउन के साथ अगर मिलाए तो देयर बन जाता है. यही फॉर्मूला है, इसके अलावा कुछ नहीं है. एनी काइंड ऑफ नाउन यू हैव टू डू द सेम. उसमें फिर ये होता है कि अगर फेमिनिन नाउन आ जाता है तामर भूता वाला, तो उसकी तामर भूता को ओपन करके द सेम फॉर्मूला यू हैव टू अप्लाई. चले, अच्छा, जो लास्ट हमारा टेस्ट हुआ था उसमें थोड़ा बहुत, वैसे नाउन हमने स्टार्ट तो नहीं किया लेकिन थोड़ा बहुत वहां पे पढ़ा था कि व्हाट इज द नाउन और द वर्ब. सो आप बताएंगी थोड़ा बहुत. जी वर्ब हमने शुरू किया था उसके पॉइंट्स बताएं, क्योंकि हम डिफरेंस कर रहे हैं ना इंग्लिश और अरबिक का. तो अब इंग्लिश में तो ये है कि जैसे हमारा फिक्स कोई वो नहीं है लिमिट कि कितने लेटर्स का आता है द वर्ब. फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है, दिस इज फॉर 3 लेटर्स, ठीक है. नाउ दिस इज फॉर 4 लेटर्स, नाउ सी दिस इज फॉर 5. उसकी कोई लिमिट नहीं है, बट इन अरबिक वी नो द लिमिट ऑफ वर्ब्स, के वर्ब कितने लेटर. ज्यादातर वर्ब्स जो इज हैं ज्यादातर फेल वो 3 हरूफ के होते हैं जैसे 3 लेटर्स का आता है. फॉर एग्जाम्पल शरबा कतबा अकला जी बिल्कुल, ज्यादातर 3 लेटर्स को होता है, और सम टाइम वो कितने लेटर्स का आ जाता है, समटाइम टू इट 4 4 लेटर्स का भी होता है फाइव का भी, 4 to 5 का आ फाइव का भी जाता है. हाँ और और वर्ब्स में कम जब से सब कम हरूफ का फेल है हुब हैव, ये सबसे कम लेटर्स का हमारे पास वर्ब है, दैट इज फॉर 2 लेटर्स. हैव जो सबसे छोटा वर्ब है वो हमारे पास 2 लेटर्स का है, दैट इज ओनली वन वर्ब एंड दैट इज हैव. ठीक है, अच्छा ये हो गया वर्ब. अब देखिए इंग्लिश में हम लोग अगर प्रेजेंट की भी बात करें तो तब भी वर्ब के बाद आई एन जी लगाते हैं, आई मीटिंग, ओके आई एन जी. और अगर पास्ट की बात करें या तो वर्ब जैसे ईट का एट हो जाता है, लेकिन समटाइम ई डी लगा देते हैं उसी के साथ, राइट. जी ईडी यानी दोनों, अगर आप आई एन जी लगाए या ईडी लगाए
आफ्टर द वर्ब ही आएगा। लेकिन इंग्लिश में हम्म, क्या सीन है, हाउ यू विल नो द वर्ब कि पास्ट में बात हो रही है या प्रेजेंटली, यानी क्या आप आपको वो करेगा कि दिस इज द प्रेजेंट टेंस, जो मेन वो है वर्ब है वही हो रहता है उसके ये लिए, तो प्रेजेंट मेन टेंस वर्ब के है ना, लिए। लेकिन इसके साथ जो आगे पीछे कुछ लेटर्स लिखेंगे बिफोर द वर्ब एंड आफ्टर द वर्ब, वो शो करेगी कि दिस इज प्रेजेंट टेंस और दिस इज पास्ट टेंस, अच्छा जो एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट, एडिटिंग होगी। हाँ तो उसमें ठीक प्रेजेंट टेंस कैसे आप मालूम करोगे कि दिस इज प्रेजेंट टेंस, द फॉर्मूला विल कम एट द फर्स्ट ऑफ द वर्ड, दिस इज मस्ट, कि जो एक्स्ट्रा वर्ड होगा वो मस्ट है। बिफोर द वर्ब आएगा, लाइक अशरफ दैट मीन्स आई ड्रिंक, आई ड्रिंक, आई ड्रिंक, तशरब यू यू ड्रिंक, ड्रिंक, इसमें भी पहले आया ही तशरब, ओके, शी ड्रिंक्स, या शी इज ड्रिंकिंग, ऑल आई एम ड्रिंकिंग, यू आर ड्रिंकिंग, यशरफ, शी इज ड्रिंकिंग, हुआ यशरब, ये तो हम कर चुके हैं ना कि शी के लिए जी ऑलवेज था, ही के लिए या। अब यहाँ था में भी देखिए एक्सेप्शन कि यू में भी था और यहाँ पे भी था है, तो जब आप अलोन था यूज करेंगे वो सिर्फ यू के लिए होगा, तो शी के लिए यू मस्ट हैव टू मेंशन ही है, ही ये तशरब, वी आर ड्रिंकिंग, नशरफ, नशरफ, नशरब, एहना नशरफ, नशरब, नशरब, ये वही है ना कि नाउन में हमारे पास एंड में आया और वर्ब में एट द फर्स्ट आया, ठीक है। अच्छा तो यहां से पता चला कि दिस इज प्रेजेंट टेंस क्योंकि जो एडिटिंग हुई वो बिफोर द वर्ब हुई, ओके। बट अब जैसे नंबर टू को देखें, आपने कहा तशरब यू आर ड्रिंकिंग और ही है तशरब, यहाँ पे ये है, नाउ आई हैव टू से ही है शराब, ही है शराब, तो ये ये रहा वर्ब और पास्ट एडिटिंग टेंस कहाँ हुई, यस हो गया, एंड में एक्स्ट्रा वर्ड आया, दैट इज पास्ट टेंस। शुरू बात, ये जो सबसे इजी पॉइंट आप लोगों ने सीखना है कि जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो हम जो लेटर्स है वो बिफोर द वर्ब यूज करते हैं, और अगर पास्ट की बात हो तो एंड में, और मजे की बात यह है कि पास्ट में सिर्फ आपको एक ही लेटर यूज करना पड़ता है, दैट इज द, किसी भी पर्सन के लिए, लाइक अन शरब, एंट शरब, ही शरब, लेकिन सिर्फ जब ही की बात आती है ही ड्रैंक, वहां पे ता नहीं यूज कर सकते, एज यू नो कि ता इज नॉट यूज फॉर मेल इन अरबिक, वहां पे कुछ भी नहीं होगा, हुआ शरब, या तो या है ना जिसने मेंशन किया कि ही इज ड्रिंकिंग, या वो तो हट जाएगी और ता हम लगा नहीं सकते बिकॉज मेन तो हुआ शरब, तो जब भी ऑप्शन ही पास्ट में करेंगे उसके साथ ता नहीं लगेगा। और इसी का भी सेम है कि अगर नशरब वी आर ड्रिंकिंग है तो शराब ना होगा, शराब ना फिर क्या होगा, वी वी ड्रिंक, वी ड्रैंक। अच्छा मैं अभी आपको एक पैराग्राफ दिखाती हूँ, ठीक है, इंशाल्लाह आपने मुझे उसमें से करके बताना है, कैन यू सी द स्क्रीन, जी, ओके। अभी एक स्टूडेंट को इंशाल्लाह सबको मौका मिलेगा, यहाँ पे वर्ड्स यूज हुए हैं और उसमें बाकी जो वर्ड्स है वो हम अपनी वोकैबलरी में कर चुके हैं, तो नई चीज आपको सिर्फ वर्ब मिलेगी, ठीक है, बाकी ये सारी हम लोग कर चुके हैं। तो सबसे पहले तो लेसन का नाम देखते हैं क्या है, जी व्हाट्स अलैत इट, तआम दैट मींस ऑन द डाइनिंग टेबल, ऑन टेबल, द फूड टेबल, या फूड डाइनिंग यानी डाइनिंग, लाइक वी कॉल इट ऑन डाइनिंग डाइनिंग टेबल, टेबल, ओके, जी ताउला इज अ टेबल एंड ताम इज फूड, सो फूड टेबल यानी डाइनिंग टेबल, ठीक है जी। देन अच्छा ये कुल्लू सबाहन नजतमा हौला तावेल ताम, एवरी जी मॉर्निंग मत वी गैदर गैदर अराउंड द अराउंड डाइनिंग टेबल, टेबल जी। अब देखिए तो यहाँ पे वर्ब आपके पास क्या था, इज्तमा, जमा, वहां पे नून लगा कि नजतमा वी गेट टुगेदर, हम जमा होते हैं, ठीक है, तो नून इज फॉर वी कि हर सुबह हम वी गेट टुगेदर अराउंड द गार्डन, तो सॉरी अराउंड द डाइनिंग डाइनिंग टेबल, टेबल, इंस्टेड ऑफ हाउल यू कैन से आला, ऑन डाइनिंग टेबल यू कैन से आला, आला ताव तआम, ठीक है। व्हाट्स योर नेम डियर, जी मैं जी सादिया, जी आप सादिक, जी नेक्स्ट, जी अखी अल कबीर बासम यहिब अल खुब्ज वल जुबन, अना अहिब अल नो हलीब, मीनिंग ट्रांसलेशन प्लीज, अखी द एल्डर ब्रदर बासम ही लव्स खुब्ज एंड जुबन,
सो द एल्डर ब्रेड ब्रदर ब्रेड और एंड माई जो एल्डर माय एल्डर माई माय माई माय माय एल्डर माई ब्रदर एल्डर ब्रदर बासम ही लाइक्स. अब देखिए यहाँ पे जो लाइक का वर्ब है, जब आखिर की बात हुई तो उन्होंने दे यूज या फॉर एनी मेल. इफ इट इज अबी, इफ इट इज माई सन, माई हस्बैंड, एनी वलद, इट विल बी या विद द वर्ब ही लाइक्स. खुबस शिन खुबस ब्रेड विल ब्रेड जुबन. एंड चीज जी आईवा नेक्स्ट انا احب يعني الحليب حليب. I like milk. Okay, so that means if you want to say anything about yourself, I am going, I'm sleeping, I'm anything, Aleph will be there because the hab, only the hab is the verb. So Aleph is for I. Any verb like ashrab, I am drinking, akal, I am eating, aktab, I am Writing. aqra, Reading. reading, I'm reading. argad, I'm sleeping. أروح I'm I go going. I أفهم أفهم I I understand. understand أعرف. I know. جي بالكل. چلے next student. جی میں پڑھوں جی ابھی 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 جابر يقول لي دائما my دائما. father دائما my father جابر یہ نام ہوگا جی یہ Abir, yes, my دائما father. Like here ہی لکھا نا ہمارے Brother father Basim. So Abi Jabir. My father Jabir, he says always, Al-Halib mufidun To ya me. Li badri. means to Li, me. for me. Achha. For me. To me. To me. अब देखिए To यहाँ पे me. वर्ब हमारे पास क्या है? सिर्फ वर्ब. रूट वर्ड बताएं. Yeah. या Cool. नो, या तो अभी के लिए लगा ना, जिससे ऊपर में हमने कहा था कि बिफोर द वर्ब यू हैव टू यूज या फॉर मेल. तो ये अभी के लिए, ये वर्ब नहीं है. तो वर्ब क्या है? Cool. Cool. कूल. फसहा में Cool. कूल होगा, लेकिन स्पीकिंग में हमारा काफ की साउंड क्या हो जाती है? गू गा गूल. यस गूल. तो अभी जी यहाँ मेल की बात हो रही है, दैट्स व्हाई ये गूल. ही इज जी सेइंग टू मी ऑलवेज. व्हाट इज ही सेइंग? الحليب مفيد يا بدر दैट मींस बदर. is good ओ बदर. ओके بدر नाउ आई विल रिमूव दिस या. सपोज आई रिमूव. ओके बट वन एक्सेप्शन इज हियर. गूल इज द वर्ब. ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि वर्ब है. आपने सुना होगा कि हम लोग कहते हैं काल रसूल अल्लाह, राइट? जी सुना है? जी क्या जी जी मतलब है जी उसका? काल रसूल अल्लाह. कहा कहा हाँ, सेड. काल रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह सेड. लेकिन ने हमारे पास तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में वर्ड आया फूल. तो क्या सीन है इसका फिर? किसी किसी को आइडिया है? गूल यानी वो कहते हैं कैसे वो कर, ऑलवेज हमेशा कहते हैं. हमेशा यही कहते नहीं, हैं वो तो ठीक है, लेकिन जब उससे ऊपर हमने पढ़ा, हमने क्या पढ़ा कि वर्ब अपनी जगह रहता है. अगर उसमें फर्स्ट में एडिटिंग है, दैट इज शोज के प्रेजेंट टेंस है. जी अगर एंड में है, दैट शोज के पास्ट टेंस है. लेकिन वर्ब तो उसी जगह है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आई. तो यहाँ पे फिर क्यों ये चेंजेस हैं? लाइक समटाइम हम कहते हैं मैं कह रही हूँ, आई एम सेइंग, जी आई एम अगूल. ओला आपने सुना होगा ज्यादातर शिंजरू. ओला कोई ये कोई पास्ट टेंस. ऐसे भी हैं कि जिसके बीच का लेटर चेंज होता है पास्ट टेंस बनाने के लिए यस, ये कुछ वर्ब्स है और मैं आपको वो बता देती हूँ इंशाल्लाह. उसमें एक्सेप्शन है. दीज आर कॉल्ड एक्सेप्शन वर्ब्स. ओके, एक्सेप्शन क्या है कि जिस ज्यादातर नहीं आता, सम ऑफ द वर्ब हैव वाव इन द मिडल. जैसे गूल है, तो जब भी ऐसा वर्ब आपको मिलेगा जिसके मिडल में वाव है, एंड व्हेन यू यूज इट इन पास्ट टेंस, द वाव विल कन्वर्ट इनटू या अलिफ एलिफ. ये एक्सेप्शंस है, दे आर कॉल्ड एक्सेप्शन वर्ब्स. के अगर इनके मिडल में वाव है एंड यू वांट टू यूज इट इन पास्ट, द वाव विल चेंज इनटू एलिफ. जैसे अगर मुझे कहना है रूह, ठीक है, आना अरूह, तो आपको समझ आ जाएगा कि आई एम गोइंग, लेकिन आई वेंट, आना रुहत गलत हो जाता है, रुहत. तो वहां पे हम क्या बोलते हैं? अना राहत, अना रहा राहत. सो द वर्ब व्हिच हैव वाव इन द मिडल, इट्स विल चेंज इन पास्ट इनटू अलिफ. राह, अलिफ द रूह विल बिकम राह. और ये बहुत ही कम वर्ब्स है, ठीक है, आई थिंक अराउंड 4 और 5, ज्यादातर नहीं है. ओके, देन चूफ. आई हैव द वर्ड चूफ, आप लिख ले बेशक, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है वर्ड में. अगर मैं पूछू एक्सेप्शंस वर्ड बताएं, चूफ का फिर क्या बनेगा? चाफ आई सो एंड अ चाफ्ट. चाफ, ये हो गया आपके पास वर्ड. जस्ट आप ता लगा दे कि आई सो एंड अ चाफ्ट.
है चौथ, एक और है जूर, मे भी आपको पता होगा जूर, जी जूर विजिट जियारा से, या टू विजिट जिस तरह हम लोग जियारा बोलते हैं, तो वो भी जार बन जाता है, जार बुलाते जूर बिकम जार। कितने हुई है? चार जी तीन हो गए। देर इज वन मोर। ओके एक और है, उसके लिए आप जगह छोड़ दें इंशाल्लाह, जब व्हेन वी लर्न द लेसन्स आई विल लेट यू नो। ओके तो ये एक्सेप्शन वर्ब है, यहाँ ये सेम वर्ड फिर पास्ट में यूज नहीं होता, और बाकी जो वर्ब्स है फिर वैसे के वैसे, ओके पास्ट में भी वही होते हैं, प्रेजेंट में भी, फ्यूचर में भी। ठीक है प्रेजेंट में होगा अना और पास्ट में ना, यस वो वही ओके सेम रहेगा बिल्कुल, लेकिन जब ठीक पास्ट में रूह को यूज करेंगे फिर वो राह बन जाएगा, अना राहत, वर्ब अच्छा चेंज होगा और साथ में ऐड होगा ता, व्हिच शोज दिस इज पास्ट टेंस, अना राहत, अना राहत। जी नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट उम्मी हुदूर तुहिब्बुल नो मदरफ बदर गुदूर गुदूर इज अ नेम, जी गुदूर इज अ नेम, गुदूर इज अ नेम, नेम तो हिब मदरफ बुदूर नो उम्मी, सी देखिए उम्मी कौन है, किसकी अम्मी, मेरी मेरी यस अम्मी माय माय मदर मॉम गुदूर गुदूर, लाइक्स एग एग्स एग। अब आप देखिए इन्होंने एक ही वर्ब इस पूरे पैराग्राफ में एक ही वर्ब चूज किया है हब, लेकिन जब अखी के लिए था या लगा, जब अपने बारे में था अलिफ लगा, जब फीमेल के बारे में था चाहे वो आपकी सिस्टर हो वाइफ हो बहन हो इट विल बी ता। ओके नाउ लास्ट उक्ति गुदेर, सबीर अबीर आई उक्ति रिहाब सबीर सबीर रिहाब रिहाब माय अजीब अशरब असीरुल बुर्दुकाल मतलब माय यंगर सिस्टर रिहाब शी ड्रिंक्स ऑरेंज जूस ऑरेंज जूस जी। अब यहाँ देखें जब उख्ती है तो मेन वर्ड वी हैव सगीर, बट बिकॉज ऑफ उख्ती इट बिकम सगीरा मरबूता एंड नाउ शी, सो ओनली द वर्ब वी हैव इज व्हाट इज द वर्ड फॉर ड्रिंकिंग, शरबा शराबा, जस्ट शराबा, ता कम्स फॉर रिहाब, रिहाब की बात हो रही है दैट्स व्हाई इट इज ता, एंड इट आल्सो शोज दैट रिहाब इज ड्रिंकिंग प्रेजेंट टेंस, इफ आई वांट टू से रिहाब शरबत उसी ता को मैं एंड पे ले जाऊं तो वो पी पास्ट, लिया उसने यस पास्ट ड्रंक, रिहाब ड्रंक, ड्रैंक रिहाब ने पिया, तो ये बात तो आपको क्लियर है ना फॉर्मूला कि प्रेजेंट का कैसे पहचान लगाना है और पास्ट का, ये पॉइंट क्लियर है जी 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 बिल्कुल वही, और फिर उसमें मैंने एक्सेप्शन बताया कि बाकी तो अगर हम एडिटिंग करते ठीक है वर्ब अपनी जगह होता है, लेकिन कुछ वर्ब्स हैं कि उसमें एक्सेप्शन ये है कि उसका वाव एलिफ में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है, और उसकी हम अलग से प्रैक्टिस करेंगे जैसे आपको पता होना चाहिए ठीक है। चले इसमें भी काफी वर्ब्स ऐसे हैं जो वर्ड्स जो हम कर चुके हैं ठीक है, आपको इंशाल्लाह पढ़ने में बिल्कुल मसला नहीं होगा, और कोशिश करें कि जब आप इस पैराग्राफ को पढ़े ना तो बारी बारी पढ़े, हर एक को मौका मिलना चाहिए मजलिस जदी कबीर जी। दिस वन द टॉप, क्या नाम है पैराग्राफ का, फी बैतुल जदी दैट मींस घर के अंदर नहीं, जदी किसके, मतलब मेरे मेरे ग्रैंड ग्रैंडफादर के घर में ग्रैंडफादर के घर में जी, माय जी ग्रैंडफादर हाउस, अफराद आयला में जत पढ़ा है ना हम लोगों ने, तो जी इसके साथ या है तो माय माय कि मेरे ग्रैंडपा दा के हाउस में ग्रैंड इन, और अगर इसी को हमने कहना हो कि इन माय ग्रैंडमा हाउस, जद्दती यस फी बैत जद्दती, क्योंकि जद्दा विद ता मरबूता इज ग्रैंड मदर, सो विल ओपन द ता मरबूता एंड ऐड द या जद्दती ठीक है। अब ये बताए कि मजलिस किसको कहते हैं, मजलिस ड्रॉइंग इकट्ठा रूम, बैठना ड्राइंग मतलब रूम जिस तरह हमारे यहाँ होता है सबका सिटिंग लिविंग रूम, रूम जी लिविंग रूम सिटिंग रूम, सो लिविंग दे इन रूम अरब दे हैव मजलिस। ओके अब मजलिस तो है, अब ये देखें इंस्टेड ऑफ सोफा दे प्रेफर दिस थिंग, कैन यू सी द व्हाइट वन, सी जी जी व्हाट वी कॉल टू मसनद दिस, मसनद मस्त ये जैसे बैठने की जगह जो होती है सोफा या वो नीचे की जलसा, वी कॉल इट जलसा, जलसा जलसा इट्स फ्रॉम मजलिस, जलसा जलसा ठीक है, सो मजलिस इज अ सिटिंग एरिया एंड जलसा दे यूज ओवर देयर इंस्टेड ऑफ सोफा, मोस्टली दे प्रेफर द जलसा। ओके सो अव्वल वाहिद
मजलिस जद्दा कबीर, जद्दा जद्दी, जद्दी। जद्दी कबीर, क्या मतलब है? Whose मजलिस इज बिग, मेरे मजलिस, दादा की, जो ओके, माय फादर ग्रैंड ग्रैंडफादर बिग, मजलिस मजलिस कबीर, इज दिस इज बिग जी, कि मेरे ग्रैंडफादर का मजलिस सिटिंग एरिया जो है कबीर, बिग है। बिग। ओके, अब नेक्स्ट स्टूडेंट, जद्दी मुबारक माय मुबारक इज द नेम ऑफ माय जी, ग्रैंडफादर, यानी दिस इज द नेम। ओके मेरे दादा मुबारक यजलिसू बैठते हैं वस्तल हाइला, फैमिली के बीच में दरमियान। जी, तो वसत हो गया बीच में। अब अगर मुझे कहना हो एट द फर्स्ट या एट द एंड, अमामा काम अव्वल इला यमीन नो नो अव्वल नो यमीन तो इला राइट हो गया, मुझे इला फर्स्ट अव्वल और एंड, एंड फर्स्ट और एंड का मैं पूछ रही हूँ। अव्वल और इला आखिर, अव्वल इला आखिर, यस, फी अव्वल और फी आखिर, उसके वसत, बीच में आ जाता है, फी आखिर, वसत। ठीक है, अव्वल वसत आखिर, मैं लिख भी लेती ठीक हूँ। ठीक है, अव्वल वसत आखिर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी से कहना हो कि यहाँ फर्स्ट सीट पे बैठो, बीच में बैठो, आखिर में बैठो, सो वी कैन से गायत फी अव्वल। गायत का तो हम कर चुके हैं, राइट, जी गायत फी अव्वल और गायत फी वसत और गायत फी हाँ आखिर, सर, पहले बैठो, बीच में बैठो और आखिर में बैठो। तो अब यहाँ पे हमने पढ़ा था गायत का वर्ड फॉर सिटिंग, मेल के लिए गायत है और अगर फीमेल को कहना हो तो, गाड़ी, लेकिन एक और वर्ड भी यूज होता है, यजिस यस, जलसा। जलसा, ठीक है, तो जलसा और गायत, देर आर टू वर्ड्स फॉर सिटिंग। ठीक है, अब जी इसको ऑर्डर में लाए, अगर आपने कहना हो कि बैठो इगेद, एक गायत, अगर आप गायत यूज कर रहे हैं तो एक गायत, और अगर आप जलस यूज कर रहे हैं इजलेस, तो यस। ठीक है, दोनों यूज कर सकते हैं, दिस इज ऑर्डर, इजलेस फी अव्वल, एक गायत फी अव्वल, एक गायत फी वसत, एक गायत फी आखर। ठीक है, आइला क्या है? फैमिली, फैमिली, देर इज वन मोर वर्ड आई टोल्ड यू फॉर फैमिली, एक और भी है, उसरा, उसरा, और दोनों फेमिनिन है, आयला एंड उसरा, बोथ आर विद्धा मर्बूता, सो वो फैमिली के बीच में बैठे हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट प्लीज। इला यमीनी व बासिम इला यसारी, माय फादर इज इन द इज ऑन द राइट साइड, और एंड बासिम इज ऑन द लेफ्ट साइड। नो, लेफ्ट और राइट आपका ठीक है, लेकिन इसके साथ एक एडिटिंग वर्ड है, आप गौर करें लास्ट वर्ड पे, हाक हाँ लगी उसकी, हुई है, यस, यानी हिज राइट उसकी, साइड, क्योंकि हिज ये राइट सारा साइड, पैराग्राफ तो जज के बारे में है, सो हिज राइट साइड, मेरे फादर हिज राइट साइड और बासिम जो है असिम हिज लेफ्ट साइड। लेफ्ट ठीक साइड, है, तो यमीन आपका ठीक था राइट साइड, यसार भी ठीक था लेफ्ट साइड, यहाँ पे है हिज, और अगर मुझे कहना हो माई राइट साइड, मेरे दाई तरफ, यमीनी, यमीनी यमीनी, इला मेरे यमीनी लेफ्ट साइड, इला यमीनी और यू सॉरी ये सारी, टू माय लेफ्ट साइड, ओके, टू योर राइट साइड, यमीनक सर, इला यमीनी, टू योर राइट साइड और टू योर लेफ्ट साइड, निसारक ये सारी, गुड सॉरी जॉब। ठीक है, रिहाब बिजानेब जी जद्दती बहिया, इट्स नेम, बहिया इज द नेम, वही है द जी नेम ऑफ ग्रैंड मदर, यस, रिहाब इज ऑन द बिजाने साइड साइड, नेक्स्ट टू, इधर यानी जी नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू माय ग्रैंड मदर, या बहिया वही जी। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसको पढ़े और थोड़ा गौर भी करें, क्योंकि दे यूज वर्ब जी। قالت لي أمي my mother said to me अब देखिए आपने कहा يا सेड माशाल्लाह, बिकॉज वी नो कि काल, अब देखिए अगर मैं आपको वर्ब दू कि आप अपने वर्ब के लिस्ट में सिर्फ गूल, गूल जिसको हम कहते हैं, गूल मीन्स टू से,
इससे बेटर है ना कि मैं बताऊँ कि दैट इज द एक्सेप्शन. अब अगर वो कूल है लेकिन पास्ट में वो वाओ अलिफ में, ये देखिए कूल था पहले, काल हो गया बिकॉज आप कह रही है कि सैड, तो वर्ब चेंज हुआ प्लस आपने पास्ट को शो करने के लिए काल एक्स. और दूसरा ये कि ये फीमेल के लिए लगा, अगर जैसे मैं पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ रसूल अल्लाह सैड, सो वी डोंट यूज कॉलर सैड इज जी ऑल्सो इन पास्ट, वो भी होते हैं ना, प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कहा, जी बट वी डोंट यूज द. ओके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ता तो शो करता है कि पास्ट है, सबके लिए ता होगा, बट व्हेन वी टॉक अबाउट ही वी विल नॉट यूज द. ठीक है, जी कॉलत ली उम्मी, अगर इसकी जगह अभी होता तो कॉल अली अभी, अभी सेड टू मी. ऑलरेडी ओके, अभी अभी या बदर सलिम सलिम जदुतका हदीयतः हदिया क्या होता है, गिफ्ट गिफ्ट, और हदीयत हा किसका गिफ्ट हुआ, हर हर ग्रैंड मदर का गिफ्ट. गिफ्ट, उनका ग्रैंड हाँ मदर का यस, गिफ्ट. योर ग्रैंड मदर गिफ्ट. अब सलिम पे आ जाए, सलिम का क्या मतलब है? टू प्रेजेंट अच्छा, यहाँ पर. यहाँ यहाँ इन्होंने, नहीं, प्रेजेंट तो हदिया हो गया, इन्होंने सलिम यूज किया है, लेकिन सपोज अगर आपने कहा कि शो योर ग्रैंड मा हर गिफ्ट, तो आप कैसे कहते हैं कि अपनी ग्रैंड मा को उनका गिफ्ट दिखाओ. वी अच्छा डिड ये दिस वर्ड टू, तस्लीम से है ये. नहीं, ये हाँ गलत है, मैं आपसे पूछ रही हूँ, हमने एक किया था टू शो, शो के लिए, अगर मैं कहूँ कि आप अपनी ग्रैंड माँ को दिखाएं उनका गिफ्ट, सो व्हाट इज द वर्ड क्यों फॉर टू शो? रवा रवी, रवी, रवी रवी रवी, आपको याद है ना, रा वाव शद्दा रवी अनिया, रवी रवी जद्दतक हदीयता, शो योर ग्रैंड माँ हर गिफ्ट. ठीक है, इन्होंने यहाँ सल्लम का वर्ड यूज किया है, लेकिन सल्लम सलाम से है, जब हम अरबी में बोलते हैं ना कि अपनी अम्मी को सलाम कहना, सो वी से लाइक दिस, सल्लम अम्मक, सलीम सलीम हाँ सल्लम उम्मक, अपनी अम्मी को सलाम कहना, सल्लम अबूक, सल्लम का मतलब होता है टू ग्रीट, सलाम नॉट टू शो. यस, सल्लम इज फ्रॉम सलाम. तो इसमें और क्या एक सेंस, और भी, यानी नहीं, गिफ्ट वो आप रवी ही यूज करेंगे, सल्लम नहीं, सल्लम का मतलब गलत वो हो गया. सलाम करें. अच्छा ठीक यानी ये है, गलत है. ओके यस, थैंक नहीं यू. जैसे हाँ भाई, तो उर्दू में ठीक कहते हो ना सकता पेश है, करो, हाँ उसको यस पेश यस करो. यस, हाँ तो ये फुसहा है ना, एग्जैक्टली, हाँ बट जी आवर जी फोकस ये शुड बी फुसा ऑन स्पीकिंग. है. जी, ये तो तो हम फुसहा है. यहाँ, तो तो हम यूज सल्लम करेंगे जद, रवि, रवि यस अभी आप देखें रवि कि ये जद. बदर से बात हो रही है ना, जो मैं आपको पहले कम, जब से हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई है, तो अब ये बदर से बात हो रही है, देखिए यूअर ग्रैंड मा, तो उन्होंने काफ के ऊपर जबर लगाया है, जबर लगाया. क्योंकि बदर के क्या जी, अगर यही बात रिहाब से करते जद्दतु की, ठीक है, वहां पे चा ऑप्शन नहीं था. ठीक है, तो रवि जद्दतक, शो योर ग्रैंड मा हदीयता हर गिफ्ट, मिस रवि प्लीज टाइप कर दें, कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, और वाओ पे शब्द आएगा, रा वाओ या रवि, रवि, लेकिन वाओ पे शब्द ओ, आ रहा है. शो को कहेंगे अरबिक में, रवि इस चीज को, शो करने को, यस, टू वो शो, दिखाना, शो को हम रवि कहेंगे अरबिक में. यस, जैसे अगर आपने किसी को कहना मुझे दिखा, तो रवि नहीं, वही रवि है, उसके साथ नहीं करे, जैसे आप कहते हैं मुझे दो आती नहीं, तो सेम रवि नहीं, हाँ ओके शो मी, रवि नहीं, शो मी. और रवि हा, मिस, इसका भी पास रहा हो जाएगा शोहर, यस, शोहर, रा, रा आपने देखा होगा फुसहा में, ये कुरान में भी जी. है, रा का वर्ड हाँ सी के लिए आता है, अरे आई यस, जी रा, जी अलम रा. तरह गई फा. चरा लिखते यहाँ ये रवि फिर रा हो जाएगा, ठीक है, रा अलिफिया. रालिफिया. और उनको आप उनका गिफ्ट दिखाओ. अच्छा, अब हमारे पास दो वर्ड है हैप्पी के लिए, एक तो सईद है आपको पता है, दूसरा क्या है, फरहान, फरहान यस जी, तो जाहिर है आप, यस, फरहत जद्दती, क्या मतलब है इसका, खुश है मेरी रवि, ग्रैंड माय माय हैप्पी ग्रैंडमदर वाज गॉट हैप्पी, यस, एंड खुश किस चीज हुई, पे, क्या था उसका गिफ्ट दिया मिला, में, उनके परफ्यूम, 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 हर सॉरी, उनका हाँ परफ्यूम फेवरेट परफ्यूम, परफ्यूम से यस, महबूब मींस फेवरेट, फेवरेट. रियायत सरीहा, बी का मतलब है विद,
विद हर परफ्यूम, फेवरेट परफ्यूम, महबूब। विद हर फेवरेट परफ्यूम. उर्दू में भी महबूब वही होता है ना, जिन्हें हम पसंद करते हैं, जो हमें अच्छे लगते जी. हैं, तो लेकिन अरबी फेवरेट, अरबी में एक और वर्ड यूज होता है ना, मुफद्दल। मुफद्दल. यस फॉर फेवरेट, मुफद्दल। मुफद्दल. यस लाइक अगर मुझे आपसे कहना हो कि आय अतर मुफद्दलक, आपका कौन सा फेवरेट इतर है, तो वहां पे मैं स्पीकिंग में मुफद्दल, महबूब नहीं आएगा स्पीकिंग, मुफद्दल है। मुफद्दल इज वर्ड फॉर फेवरेट। आई विल से आई इतर, व्हिच इतर मुफद्दल लाइक। मुफद्दल मींस हुज फेवरेट, यस, योर कौन सा फेवरेट. परफ्यूम आपका फेवरेट है। आई इतर मुफद्दल है, एंड आई कैन आल्सो से आई लोन मुफद्दल है। विच कलर यू लाइक, फेवरेट यस, विच कलर इज नॉट यू योर लाइक, फेवरेट कलर, यूअर फेवरेट विच फेवरेट। इज योर फेवरेट. यस और पता है उसमें भी यूज करते हैं, सदीकती अल सदीक, मुफद्दला, माय बेस्ट फ्रेंड. यस المفضلة, ماي فيفرت, ذا وان فيفرت وان, ماشي صديقتي المفضلة. तो इस पैराग्राफ में अभी सिर्फ आई थिंक जलसा भी काफी लोगों को पता है, दैट इज टू सिट, और जी. सलीम का शायद आज पता होगा, बाकी इसमें तो कोई वर्ड हमारे लिए नया नहीं है, राइट। हदिया भी हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके साथ एक्स्ट्रा हा आया, हम जानते हैं दैट इज फॉर हर। तो ओनली द सलीम एंड जलसा इज अ न्यू वर्ड, और ये काल का एक्सेप्शन भी बताया, काल, क्योंकि इससे पहले जो पैराग्राफ था यही काल हमने क्या पढ़ा उधर, देखें ये गूल, यकूल उस यानी इस यकूल लेसन में गूल था और उसमें गाल आया, तो जो एक्सेप्शंस थी वो मैंने बता दी कि मेन ये गूल ही है, लेकिन जिस वर्ड में मिडल वाव होता है वो पास में जाके कन्वर्ट इंटू अलिफ हो जाता है, तो वहां पास्ट की बात हो रही थी दैट्स वाई, और यहाँ प्रेजेंट की बात हो रही है। टीचर. एक मैंने पूछना था, राग टुस्ती तो इस तरह लिखेंगे, राग अलिफ प्रेजेंट में और पास्ट में, लेकिन प्रेजेंट ये है ना, रवि तो स्पीकिंग वर्ड है, लेकिन रा जो है वो स्पीकिंग वर्ड नहीं है, ये स्पीकिंग वो नहीं है, कुरान में हमारा है तो ना, तो वो चुप है ना क्लासिकल कि अरबी के बच्चा, में आया. जी जी क्लासिकल अरबिक में रवि नहीं तो शो होगा, यहाँ पे फिर हमारा चूफ और चाफ आता है, मिस रवी का फिर पास्ट क्या होगा? वो फुसहा में रहा होगा, फुसहा में, लेकिन स्पीकिंग में नहीं यूज करना इसको, मतलब के दिखाया, उसने दिखाया, वो कैसे बोलेंगे? हुआ रवचनी, रवि के साथ ता लगेगा, वही रवि ओके के साथ ता ओके लगेगा और फिर नी लगेगा। गुड, तो हाउ यू फील फॉर द वर्ड, कैसे लग रहा है आपको, डिफिकल्ट लग रहा है या नहीं नॉर्मल? नहीं बहुत अच्छा लग रहा है. नहीं बस ये पॉइंट्स जिस तरह माशाल्लाह हमने पहले, अब जब हम नंबर्स पढ़ रहे थे तो जी उसमें जी हमने यही किया ना कि पहले हमने टेंस पढ़े, नंबर अंटिल 10, फिर उसके बाद 11 12 पे फोकस किया, फिर उसके बाद 10 नंबर्स पे, तो इसी तरह अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट, कि पहले तो ये बात क्लियर है कि वर्ब 3 लेटर्स का आता है, फिर उसके बाद ये है कि उसमें अगर स्टार्टिंग में एडिटिंग है दैट इज प्रेजेंट, अगर एंड में है दैट इज पास्ट, लेकिन अगर सम टाइम ऐसा हुआ कि वर्ब चेंज हुआ तो उसकी चेंज होने की वजह भी हमें पता है कि वो वाव था अलिफ में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। जी तो इसी तरह इंशाल्लाह नेक्स्ट वर्ब भी करेंगे, और अगर आपके पास खुद कोई वर्ब है और आप उसको प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, अभी यही जो हमारे लेसन में है फिलहाल मैं इसी को प्रैक्टिस करूंगी, ठीक है, जो हमें गूल का मिला उसको गूल कहेंगे, काफ की साउंड ग में कन्वर्ट होगी, ठीक है। आई एम सेइंग अगुल अगुल. अगूल, व्हाट आर यू सेइंग, शिनत कैनॉट, अगुल. अब यहाँ पे भी एक मैंने शायद आपको बताया था तो दोनों में पर्सन के लिए आएगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल, लेकिन हमें डिफरेंस लाना है उसमें, राइट, मेल फीमेल का। शिनो हुया तकुल तगुल. नो यानून,
छगुलीन, गुलीन। जब आप आस्किंग वर्ब करते हैं वहां पे या नून यूज होता है, ठीक है। शिन ठगुल, शिनो छगुलीन। यहाँ पर हमने फीमेल के लिए तकुलीन क्यों लगाया, तकुलीन तकुली वैसे क्यों तो लगाया? आप देखें, या नून हमने क्या पढ़ा है कि वो जमा के लिए होता है, लेकिन जी वर्ब में भी हमें डिफरेंस करना है फॉर फीमेल, दैट इज यानू, शिनत्गुल, शिनत्गुलीन। आप रूफ में भी जाए आपने सुना होगा वेंट रूफ, अगर मेल से पूछना हो, लेकिन फीमेल से कभी नहीं पूछे कि वेंट रूफ, वेंट रूफ। रोहिन वेंट रोहिन। तो ये सिर्फ आस्किंग, जब आस्किंग, ये आप नोट कर सकते हैं कि आस्किंग वर्ब में फीमेल के डिफरेंस के लिए वी एड यानू, गुली। खाली या नहीं लगेगा? नो नो नो, वो तो ऑर्डर वर्ब में लगता है, जैसे अगर आप ऑर्डर देते हैं कि चाल आ जाओ, देन फॉर फीमेल यू से ताली। वाली। अगर आप ऑर्डर देते हैं कि गाड़, तो फीमेल को थैंक गाड़ी। तो ऑर्डर वर्ब्स में फीमेल के लिए ओनली या लगता है, आस्किंग वर्ब यू। में ओके, या नहीं लगता है। और प्लूरल के लिए भी यही लगेगा सेम? यस यस, ये प्लूरल के लिए भी है, या नहीं। शी इज सेइंग, शी इज सेइंग। तकूल, तगूल, यस या छगुल, तगूल, या तगूल। ही है छगुल, ठीक है। ता तो यू के लिए भी है, बट दैट इज अलोन ता, यहाँ पे ही शो हो रहा है, शी इज सेइंग ही इज छगुल, ही इज छगुल ला, ही She's इज not छगुल। saying नो नो, शी इज सेइंग व्हाट, व्हाट इज शी सेइंग, no. नो, शी सेइंग नो। इसके शी के अलावा आप ये हटा के उम्मी भी कह सकते हैं, उम्मी छगुल ला, यानी My mother माय said मदर no. saying, not said, not said, saying, Same, same. my mother is saying no, okay, चले, he's saying yes, किया तक किया तगुल नाम, नाम he is saying yes, हुआ 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 तक ता गोल नाम, ता नाम कभी हम लोग चाहे वो प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो, ता कभी मेल के लिए यूज नहीं होगा, हुए गोल नाम, he is saying yes। ही के अलावा आप इसमें अखी भी कह सकते हैं, अखी यगूल नाम, माय ब्रदर इज सेइंग यस, अबू यगूल नाम, जौजी यगूल नाम। तो ये ही के लिए कभी ता नहीं यूज होगा, चाहे वो प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो, ठीक नगुल नगुल। है। एहना नगूल, ये नून आया एहना से, एहना नगूल, वी आर सेइंग। और अगर हम है वो कह रहे हैं यगुलून। यगुलून, यहां से पता चला कि बॉयज है, दे बॉयज आर सेइंग, अगर लड़कियां है तो हम चगुलून, लेकिन बात ये बनती है कि अगर यगुलून ही दे ऑल मेल, चगुलून दे ऑल फीमेल, समटाइम अगर वो मिक्स हुए तो टुगेदर, देन अगेन वी विल यूज द या ऑप्शन, या हम यगुलून मिक्स के लिए, मेल फीमेल बोथ, मेल के लिए भी और मिक्स के लिए भी, सिर्फ अगर सिर्फ फीमेल लोग हैं, दे फीमेल, देन इट विल बी चगुलून। फीमेल के लिए क्या चाहिए? तो या की जगह ता लगा है, हम चगुलून, तबुलून चगुलून, बोलून। हम चगुलून, ठीक है। तो आज की क्लास में मेन जो मेन मेन पॉइंट्स है वो आपने याद रखने हैं इंशाल्लाह, और हम फ्यूचर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि उसमें क्या यूज करना है, हमारा मेन फोकस सिर्फ ओनली ऑन पास्ट और प्रेजेंट में हो, पास्ट जब तक टेंस इसी पास्ट और प्रेजेंट में ही हम सारे वर्क्स करेंगे, फिर हमारी कॉन्वर्जेशन होगी किसी भी टॉपिक को लेके, जैसे ये होगा मार्केट हुआ, स्कूल हुआ, होम हुआ, छोटे छोटे कॉन्वर्जेशन, जब हम फाइनल होंगे कि नाउ वी कैन मेक अ सेंटेंस, और वो फ्यूचर भी बहुत ही इजी है माशाल्लाह, उसमें भी इतना कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि फिलहाल यही दो टेंस चलेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह दुआ पढ़ के मजलिस का तमाम करते हैं। सुभानक अल्लाहुम्मा वबिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक। जजाकल्लाहु खैर, मा अस सलामा टू ऑल ऑफ यू।